हिलाकत और तबाही, मुकम्मल हिलाकत और तबाही। आज मुसलमानों पे चारों तरफ से हिलाकत और तबाही आ रही है, बर्बादी आ रही है। मूली गाजर की तरह काटा जा रहा है, इनकी कोई हैसियत नहीं, मच्छर के पर की इनकी हैसियत हो रही है। क्यों? हमने जनाबे मोहम्मद अरबी सल्लम की इत्तबा को छोड़ दिया। नबी की जीवनी पढ़ करके देखें, अगर वक्ती तौर से सहाबा ने भी नबी की मुखालफत की है तो जंग जीती हुई हार गए हैं, अगर नबी की मुखालफत हुई है तो वो शख्स जिसको नबी ने कहा था अपने सीधे हाथ से खाना खा, उसने कहा नहीं खाऊंगा, अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाह करे तू ना खा पाए। सहाबी का बयान है कि वो पूरी जिंदगी सीधे हाथ से खाने की कोशिश करता रहा लेकिन नबी की बद्दुआ की वजह से नहीं खा सका। ये वक्ती परेशानी आई नबी की मुखालफत पे। आज हम पूरी जिंदगी के हर शोबे में नबी की मुखालफत कर रहे हैं, तो मेरे भाइयों कितनी परेशानी हमारे साथ आएगी, मुकम्मल हिलाकत नहीं होगी। उनके चेहरों को जहन्नम में उल्टा पलटा जाएगा, चेहरे को जहन्नम के अंदर झुलसाया जाएगा। क्या कहेंगे? ऐकाश अतान अल्लाह व अतान रसूल, ऐकाश हमने अल्लाह की इत्तबा को होती, ऐकाश हमने रसूल की इत्तबा की होती। तब उनको याद आएगा कि हम तो किसके गला का पट्टा डाल के घूम रहे थे, हम तो किसकी बात मान रहे थे, हम किस पीर फकीर के दरबार पे जा रहे थे, आज हमसे बहुत भूल हुई, काश हमने अल्लाह उसके रसूल की बात मानी होती, तब आज हम जहन्नम में ना जाते। आप देखें कितना जबरदस्त नुकसान।